फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लिव योर ड्रीम्स। कैसे हैं आप सब? आज हम जा रहे हैं एक नई जर्नी, एक नई ट्रेवल के लिए। और ये देखिए, पीछे लीजू बैठ गया है हमारा पूरा। आज हमने इस बार कैंप सेटअप करा लिया है, पूरा बेड सेटअप, जैसे आप ओवर लैंडिंग ट्रिप भी हमारी कह सकते हैं। तो आशु, हम कहाँ जाने वाले हैं आज? धर्मशाला। आज हम जा रहे हैं हिमाचल अगेन। आपने एक सीरीज में हमारी हिमाचल की वीडियोस देखी होंगी, अब ये दोबारा से हमारी हिमाचल की ट्रिप होने वाली है 5 डेज की। तो बने रहिएगा एंड तक इस सीरीज में, आपको बहुत मजे आने वाले हैं, बहुत एडवेंचर्स होने वाले हैं। और लीजू भी आप लोग को हेलो बोल रहा है, आप लोग का इतना प्यार मिलता है लीजू को भी बहुत अच्छा लगता है। तो अभी आपको बताते हैं कि हिमाचल यहाँ से धर्मशाला जो है वो यहाँ से 500 किलोमीटर्स है, और हमें जाने में यहाँ से 10 आवर्स की जर्नी हमें लगेगी। तो अभी मिलते हैं आपको धीरे धीरे, जो जो रास्ते में पड़ेगा आपको दिखाते चलेंगे। ये अभी हम रिफिल करा रहे हैं पेट्रोल। जब भी आप अपनी जर्नी स्टार्ट करें तो पेट्रोल रिफिल ज़रूर कराना चाहिए। ये है हमारे गाज़ियाबाद का पेट्रोल पम्प। हम घर से निकल चुके हैं, त्रिपाल हमें लेना था, वो हम नहीं ले पाए हैं क्योंकि त्रिपाल मिला नहीं। हम लोग अपनी जर्नी स्टार्ट करें और कुछ पंगे ना हो, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। अभी हमने फास्टैग भी रिचार्ज नहीं कराया, वो भी भूल गए, अभी रिचार्ज करेंगे। बहुत जल्दी जल्दी में सारी चेक पैकिंग करी है हम लोगों ने फास्ट, और मतलब एडवेंचर रहा हमारा सुबह से शाम तक का। कभी यही चीज लगे, अभी कभी ये चीज लगे, एक एक दिशा याद दिला रही है बस। हम लोग अरे ये रह गया। और अभी हम लोग हैं ईस्टर्न फेरी पे, हम एक्सप्रेस वे में चढ़ गए हैं ईस्टर्न फेरी रोड में, जो कि हरियाणा की तरफ रोड कनेक्ट करता है। और लीजू पता नहीं क्या करने जा रही हैं। क्या कर रही हो लीजू? तुम दिखाई दे रही हो। अरे लीजू बैठा हुआ है, मस्त हवा के मजे ले रहा है, थोड़ी देर में सो जाएगा। लीजू सबको हेलो बोल दो। लीजू को बाहर खिड़की पे देखना पसंद है। लीजू ने कहा कि चलो तभी बोलूंगी जब मुझे सब्सक्राइब करेंगे। तो अभी हम आपको मिलते हैं थोड़ी देर में, हरियाणा में एक बार एंटर कर ले उसके बाद। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answered a no, man. तो अभी हमने एक घंटे की जर्नी कवर कर ली है जब से हम चले हैं। और लीजो देखिए कैसे बैठा हुआ है। लीजो देख, डॉगी सामने देखो, डॉगी। ओ डॉगी के नाम से लीजो के एकदम वाइब्रेशंस ऑन हो जाते हैं, वरना लीजू कहते रहो कोई फर्क नहीं पड़ता लीजू को, क्योंकि ये डॉगी नहीं है और सब उसके लिए डॉगी है। हाँ। क्योंकि डॉगी और ये सब अपने आप को डॉगी नहीं समझती है, ये कहती मैं लीजू, बाकी सब डॉगी है। लीजू का और लीजू के नाम से बुलाओ तो वो समझती है कि हाँ ठीक है, मुझे बुला रहे हैं, मेरे बारे में बात हो रही है। देखिए कैसे पिलो लेकर सो रही है, पूरा पलंग इन्होंने कब्जा कर लिया है। हमें इधर कह दी तुम ड्राइविंग करो, और मैं सो रही हूं आराम से। बनी है दिशा को कंडक्टर बनी हुई है। तो चलिए मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। ये है मन्नत, मूर्खल का सबसे ज्यादा फेमस ढाबा रेस्टोरेंट, जो चाहे आप कह सकते हैं। Few moments later. तो यहाँ पे हमने एक जगह अपनी गाड़ी को लगा दिया है किनारे पे, और अब हम बना रहे हैं डिनर। और लीजू ये यहाँ पे बैठा हुआ है डिनर का तैयारी वेट कर रहा है। दिखाती हूँ आपको कहाँ है। इधर दिखाइए प्लीज, इधर लाइए, इधर दिखाइए। ये लीजू हमारा, ये रहा लीजू, रोटी का वेट कर रही है, खाने का वेट कर रही है। अब चलिए खाना बनाते हैं। तो आज हम डिनर में बना रहे हैं उत्पम और चाय। उत्पम ये है कि थोड़ा सा हैवी होता है और जल्दी भूख नहीं लगेगी, और बाई चांस भूख लगेगी भी लेट नाइट तो हम कहीं भी कुछ भी रुक के भी खा लेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने उत्पम की यहाँ पे तैयारी शुरू कर दी है। और ये है हमारा चूल्हा, ये है सारा सामान, और ये हमने अपनी कैंपर वैन कन्वर्ट कराई है। इसका पूरा वीडियो शूट मैं आपको कल दूंगी। और कुछ इस तरीके से है हमारा सेटअप, ये हमने यहाँ पे लाइट लगाई हुई है,
कि जिससे बिल्कुल भी अंधेरा ना हो। तो चलिए आइए शॉपिंग शुरू करते हैं। यहाँ पे लीजू के छोटे छोटे फ्रेंड्स भी आ गए हैं। लीजू के अब फ्रेंड्स आ गए सारे के सारे, इधर तो देख रहे हैं लीजू को देखते हुए जा रहे हैं, और लीजू देख रही है उनको, कोई इधर आ ना जाए गलती से, और नहीं तो आएगी वो झपट्टा मार देगी, वो इसलिए देख रहे हैं, वो देख के चुपचाप निकल रहे हैं। दिशा अपने उसमें उपमा बनना प्रिपेयर कर रही है, ये देखिए शिमला मिर्च काट रही है, और शिमला मिर्च काट रही है और उसमें अभी मिक्स करेगी और बढ़िया सा बना के उत्पम अभी हम तीनों को खिला देगी। और हमने चूल्हा वूल्हा लगा लिया है, लाइट देखिए आप ओपन कर दी है, छोटी सी लेकर लाइट लेकर आए हैं, और एक सबसे मेन चीज हमने, और अभी देखिए हमने वेस्टेज कहीं इधर उधर ना गिराए, देखिए हमने डस्टबिन, आपको दिख नहीं रहा होगा ढंग से, मैं दिखाता हूँ, ये देखिए बस वेस्टेज के लिए हमने डस्टबिन यूज किया है, बहुत सही यूज किया है, कहीं रस्ते में नहीं गिराएंगे, ये तो हमने सोचा हुआ है। ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया जो मोदी जी ने करा हुआ है कि प्रचार की, ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया, तो हम वही कर रहे हैं कोशिश पूरी अपनी तरफ से कि कोई चीज़ भी हम बाहर नहीं फेंकें, सब डस्टबिन में डालें। और देखिए हमने चाय का पतीला भी निकाल लिया है, और थेपले तो हमने निकाले हैं, वो तो अभी हम रस्ते में आराम से खाएंगे। अभी पहले हमारा उत्पम तैयार हो रहा है, आप देखिए टमाटर कट रहे हैं, टमाटर काट रही मैडम। अभी हम लोग इस वक्त फायदा उठाते हुए हम लोगों ने डिनर बनाना शुरू कर दिया। ये देखिए लीजू वेट कर रही है, सब मेरा खाना तैयार, इधर उधर देख रही है, लोग इसको देख रहे हैं कि कौन कहाँ क्या काम कर रहा है ना, इसको देख सब देख, और लोग भी इसको देखते हुए जा रहे हैं कि अरे वाह लीजू भी आई हुई है, ये भी हमारी सेलिब्रिटी हो गई है, ये भी यूट्यूबर है हमारे साथ। ये है हमारी एक प्यारी सी मसालदानी। तो देखो अब हमारा हो गया है स्टार्ट, गैस लग गई है, चूल्हा जल चुका है, दिशा जी ने वो पैन लगा दिया है, आप देखिए ये मिला रही है, और आज अच्छा 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 उत्पम करा रही है, रात के 9:30 बज रहे हैं, नहीं 9:45 हो रहे हैं। अब हम लोग बेकार में भूख लग रही है बहुत तेजी से, तेल डाला जा रहा है, ऑयल डाल रहे हैं, थोड़ा सा वेट करेंगे हाँ कि पैन गर्म हो जाए। अब इन्होंने लकड़ी का जादू चला दिया इसमें, जिससे कि जल्दी से जल्दी गरम पक जाए। अब ये उसके अंदर डालने वाली है, ये डल गया, और मैं अभी डिस्पोजल वो निकालता हूँ सारे बर्तन। तो उत्पम हमारे बन चुके हैं, और कैसे लग रहे हैं आशु उत्पम? बहुत ही लाजवाब। उत्पम के सामने दिशा के हाथ लगा तो और जवाब लाजवाब हो गए। उत्पम के साथ में हमने थेपले लाया था, थेपले भी खा रहे हैं, और उसके साथ में जो मिर्ची का अचार है स्वाद ही बहुत अच्छा आता है। लीजू बीच बीच में थोड़ा थोड़ा हर चीज खाया जा रहा है। अभी लीजू को प्रॉपर डिनर कराएंगे, उसका रोटी और दही। ये सिख रहा है हमारा उत्पम। तो अब कुकिंग कर रहे हैं आशु जी, कभी घर में तो वैसे बहुत ही कम चांस पड़ता है इनको बनाने का, बट यहाँ पे आकर इनको क्रेज हो गया कि लाओ मैं भी बनाकर देखूं। तो देखिए शेफ जी ने अपनी कुर्सी संभाल ली है, और ये बैठी है हमारी लीजू। ये डल रहा है अब उत्पम का पेस्ट। वाह जी वाह, क्या बात है,
आप देख लीजिए कैंपिंग के ये सब सुख होते हैं लेडीज, जो जेंट्स घर पे बिल्कुल काम नहीं करते वो कैंपिंग में आकर सबसे पहले दिन ही लग जाते हैं। हाँ भाई चलो कुछ कम काम नहीं करते घर में तो सारा मैडमों ने संभाला होता है मोर्चा, अब तो चलो बाहर हम ट्रिप पे निकले तो हम संभाल लेते हैं। थोड़ा इस तरीके से हम तेल को फैलाएंगे जिससे चीला हमारा अच्छा सा बने, कोशिश पूरी है गोल गोल बनाने की। उत्पम हमने बना लिया है, खा भी लिया है और अब हमारी चल रही है चाय। बस चाय बन जाए, चाय पी के फिर फटाफट चलते हैं क्योंकि अभी यहाँ से 9 घंटे का सफ़र रह गया है और हम लोग ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुके हैं, मतलब 1-1.5 घंटा हमें चाय और अपना डिनर बनाने में लग गया है। तो चलिए फटाफट से चाय बनाते हैं और अपना जर्नी कंटिन्यू करते हैं। हमने डिनर वगैरह सब कुछ कर लिया है, डिनर बनाने में करने में पूरे 2 घंटे चले गए। अब हम अपनी जर्नी दोबारा से कंटिन्यू कर रहे हैं और अभी हम लोग हैं हरियाणा बॉर्डर पर। और लीजू देखिए यहाँ पे पूरा लेटम लेट हो रही है, थोड़ी देर में आई थिंक लीजू सो जाएगा आराम से, बेड वगैरह सब उसका लगा हुआ है। ये है पानीपत का टोल, हम पानी सिर रख कर सोफे पे मीजू हमारा कहाँ सोया हुआ है। ये हेडरेस का पूरा फायदा उठा रही है कि कहाँ पे हट्टे कर हटा लिया, फेस हटा लिया अपना। मेरी वीडियो बनाऊंगी तो मैं नहीं आऊंगी वीडियो में, मुझे मेरी प्राइवेसी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये भी मेकअप करके बाहर निकलेगी, पीछे मुंह कर लिया उसने। 1 hour later। हेलो गाइस, तो अब हम शंभूगरी है, अब यहाँ से लुधियाना चंडीगढ़ 35 किलोमीटर है। तो अब देखते हैं थोड़ा सा, चंडीगढ़ जैसे ही पहुँचते हैं तो वहाँ पे रेस्ट करते हैं। और ये देखिए हमारी दीजू वेट कर रही है और डिनर के लिए, इसे अंडू की महक, अंडू कह दिया हमने तो अंडू की खुशबू आ गई, तो अंडू मांगने का कह रहा है, कह रहा अंडू चाहिए मुझे। तो ये देखो लीजू सो के उठ गया है, अंडू मांग रहा है, इसे ऑमलेट दे देंगे ब्रेड ऑमलेट, तो थोड़ा सा इसका भी। जब हम क्रॉस कर रहे हैं चंडीगढ़ और यहाँ पे ऐसे स्पीड ब्रेकर है भाई साहब की जिसके कोई कहना नहीं है। चांदनी रात में लॉन्ग ड्राइव, क्या बात है। ये देखिए द नेक्स्ट मॉर्निंग। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल, कैसे हैं आप सब। आज एक नई दिन की नई शुरुआत हो चुकी है। रात को हमने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था, बहुत टायरिंग हो रहा था तो सोचा लाओ थोड़ा थोड़ा सो लिया जाए और उसके बाद में फिर हम अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। अभी हम पंजाब के किसी शहर में हैं, शहर का नाम तो मुझे नहीं पता है। पेट्रोल रिफिल कराया, थोड़ा मुँह धोया, फ्रेश हुए और ये बैठा है लीजू, लीजू को भी टहलाया, पानी वानी पिलाया है। अब यहाँ से हम हिमाचल की जर्नी अपनी स्टार्ट करते हैं और अब यहाँ से आपको माउंटेन्स देखने के लिए मिलेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। बताते रहूँगी आपको बीच बीच में कि हम लोग कहाँ पहुँचने वाले हैं।